आज हम बनाएंगे बिना मसाले की आलू की सूखी सब्जी। 3-4 आलू को इस तरीके से पतला पतला लंबा लंबा काट लिया है। 1 प्याज, 2 हरी मिर्ची ली हैं, दोनों को पतला पतला लंबा लंबा काट लिया है। 1/2 छोटा चम्मच जीरा, स्वाद अनुसार नमक। फ्राई पैन में 2 चम्मच के करीब सरसों का तेल डालेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब इसमें जीरा डाल देंगे, साथ में ही प्याज और हरी मिर्ची को भी डाल देंगे। सभी को हल्का हल्का सा भून लेंगे। प्याज और हरी मिर्ची दोनों को हल्का सा भून लिया है, अब इसके साथ ऐड कर देंगे आलू, साथ में ही नमक डाल देंगे। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। आलू को सॉफ्ट होने तक ढक के पकने देंगे। आलू हमने कच्चा लिया है, इसलिए इसको ढक के ही पकाना है। आलू अगर आप बिना ढके हुए पकाएंगे तो ये कहीं से सॉफ्ट हो जाएगा और कहीं से ये टाइट रहेगा, इसलिए आलू को ढक के ही पकाना है। 5 मिनट हो गए हैं सब्जी को पकते हुए, आलू को काट के चेक करेंगे कि ये सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। आलू आसानी से कट रहा है, यानी कि अच्छे से पक गया है। अगर आलू आसानी से कट नहीं रहा है तो यानी कि वो कच्चा है। आलू को 2-3 मिनट और सॉफ्ट होने तक पका लीजिए। आलू को इस तरीके से फ्राई पैन में फैला देंगे और बिना ढके हुए इसको 2-3 मिनट तक भुनने देंगे, जिससे कि आलू अच्छे से कुरकुरा हो जाए। आलू को थोड़ी थोड़ी देर बाद चला देंगे, जिससे कि दूसरी साइड में भी अच्छे से कुरकुरा हो जाए। देखिए आलू अच्छे से भुन गया है, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इसमें हरा धनिया डाल देंगे, धनिया को अच्छे से मिक्स कर देंगे। सब्जी को फ्राई पैन के बाहर निकाल लेंगे। बिना मसाले की आलू की सब्जी सर्व करने के लिए तैयार है। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।